धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं केंद्रीय बजट 2021-22 के रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों के चर्चा के साथ समर्थन के लिए खड़ी हुई हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, हमारे देश के रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी को, और इनका आभार मैं व्यक्त करती हूं कि जिन्होंने रेल विभाग को इस भीषण महामारी, कोविड जैसी जो भीषण महामारी फैली है, इस महामारी और आपदा के पश्चात भी पर्याप्त बजट इस मंत्रालय को उपलब्ध कराया। और इसके साथ ही मैं आभार व्यक्त करती हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर रेल विभाग में हुए व्यापक सकारात्मक परिवर्तन व यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रतिबद्धता हेतु आदरणीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देती हूं उसके साथ ही रेलवे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिन्होंने कोरोना के संकट काल में आवश्यक वस्तुओं का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान में कर आपूर्ति की और अपने कर्तव्यों का विशेष निर्वहन किया। अध्यक्ष महोदय, मेरी रेल बजट पर बोलने के लिए विशेष रुचि थी, मैंने बहुत ज्यादा आग्रह किया था, और इसका प्रमुख कारण यह है कि मेरा जो संसदीय क्षेत्र है वो रेल विहीन है, और इसकी महत्वपूर्ण परियोजना ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्रवासियों का सपना है। सभापति महोदय, 24 साल पुरानी ये परियोजना, जिसके लिए आज मुझे खड़े होना चाहिए था कि मैं इस परियोजना के लिए कम से कम पूर्ण हो जाती और आज मैं ट्रेनों की डिमांड करती, रेल मांगती, नई ट्रेनें मांगती मैं, परंतु ये हमारा दुर्भाग्य था, ये हमारे संसदीय क्षेत्र का भी दुर्भाग्य था अध्यक्ष महोदय, कि कांग्रेस की सरकार लगभग 2004 से 2014 तक रही, और मेरे संसदीय क्षेत्र से बड़े दिग्गज नेता भी हुए, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, फिर भी इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए अध्यक्ष महोदय। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं कि मैं 2014 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उस समय तत्कालीन मुख्य सचिव मध्य प्रदेश सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 2022 तक कार्य पूर्ण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्देशित किया गया। सभापति महोदय, ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना की स्वीकृति सन 1997-98 में हुई थी, जिसकी पूरी लंबाई महोदय 541 किलोमीटर है, और उस समय इसकी लागत 827.24 करोड़ रुपए आंकी गई थी। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो वर्तमान स्थिति है, मजदूरी, सामग्री तथा अन्य सभी का मूल्य बढ़ने के कारण इस परियोजना की लागत जो है वो वर्तमान में 8,248.50 करोड़, माननीय रेल मंत्री जी का भी ध्यान में आकर्षित कराना चाहती हूं कि इतनी ज्यादा इस परियोजना की लागत बढ़ चुकी है, निश्चित रूप से ये हमारे सरकार के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ी हानि है। अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देती हूं कि 2014 से अब तक प्रतिवर्ष क्रमशः उन्होंने 79 करोड़ रुपए, 375 करोड़, 400 करोड़ रुपए, 300.50 करोड़ रुपए, 325 करोड़ रुपए, 380 करोड़ रुपए, 430 करोड़ रुपए, और इस बार 366 करोड़ रुपए बजट के लिए आवंटित किया। इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी को भी हृदय से धन्यवाद देती हूं, जिसके फलस्वरूप ये हुआ अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि हमारा जो काम है वो तीव्र गति से बढ़ा और इस परियोजना को गति मिली, हमारा काम प्रारंभ हुआ, और सबसे बड़ी बात तो ये कि छुईया घाटी में बनने वाला एक रेल सुरंग जो अपने आप में 3,338 मीटर का है, अपने आप में ऐतिहासिक सुरंग है सभापति महोदय, और ये अब लगभग पूर्णता की ओर है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। माननीय सभापति महोदय, 2014 से अब तक जब भी मैंने रेल मंत्रालय से बजट के लिए आग्रह किया है, हमें बजट मिला है, और यही कारण है कि हमारी परियोजना तीव्र गति से अग्रसित हुई है। वित्त मंत्री और रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, कि अभी भी हमें बजट का अभाव हो रहा है, क्योंकि सीधी से सिंगरौली तक अभी भी भू अधिग्रहण नहीं हो पाया है सभापति महोदय, और इसके लिए आवश्यक है कि हमें थोड़ा ज्यादा बजट आवंटित करें। सभापति महोदय,
मैं आग्रह करना चाहती हूं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को कि रिवाइज एस्टीमेट में इस परियोजना के लिए रीवा से सिंगरौली तक थोड़ा सा प्रमुख रूप से हमें बजट आवंटित करने की कृपा करें, जिससे हमारा सपना जो है वो पूरा हो सके। और इसके साथ मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहती हूं कि इस परियोजना में जिनकी भी भू अधिग्रहण की कार्यवाही हो चुकी है उन्हें रोजगार देने की विशेष कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 सीधी सिंगरौली मार्ग में बरिगवां से ओवरब्रिज कराने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और हमारे मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं, क्योंकि ये बहुत प्रतीक्षित मांग थी हमारे क्षेत्र की। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी को अपने क्षेत्र के मांगों के लिए विशेष ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं। सिंगरौली से कटनी रेल मार्ग के दोहरी विद्युतीकरण हेतु पर्याप्त बजट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इस परियोजना से हमारे भविष्य के काफी सपने जुड़े हुए हैं। ये हमारे क्षेत्र के एक ऐसी परियोजना है, अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा कार्य है, प्रोजेक्ट है, जिसके साथ ही हम आगे नई आने वाली ट्रेनों के लिए डिमांड कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन हमारे रेल मंत्री आदरणीय सुरेश प्रभु जी को मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगी, याद करना चाहूंगी कि उनकी वजह से हमें प्रदेश और देश की राजधानी को जोड़ने के लिए दो दो ट्रेनों की सौगात प्राप्त हुई थी, परंतु आदरणीय रेल मंत्री जी को जो अभी इस कठिन काल से हम गुजरे हैं, कोविड के कारण ये दोनों ट्रेनें हमारी बंद हो गई हैं। सिंगरौली से भोपाल जाने वाली ट्रेन जो कोविड के कारण संचालित नहीं हो पाई, आदरणीय रेल मंत्री जी उसे शीघ्र संचालित करने की कृपा करें। सिंगरौली से निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेनें जो अभी भी बंद है कोविड के कारण, उस पर उसको संचालित करके दो दिन तक कराया जाए और भोपाल वाली ट्रेन को नियमित कराने की कृपा करें। आदरणीय सभापति महोदय, छोटी छोटी मांगे और भी हैं, आपके माध्यम से मैं रखना चाहूंगी माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष। सिंगरौली से जबलपुर हेतु ये ट्रेन स्वीकृत हो चुकी थी सभापति महोदय, लेकिन ना जाने किस कारण से इसको बंद कर दिया गया। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि इसको शीघ्र संचालित किया जाए। भोपाल से वाराणसी वाया सिंगरौली हेतु नई ट्रेन की स्वीकृति प्रदान की जाए। ग्राम झरोसी, ग्राम पंचायत रसपुर, जिला शहडोल में अंडरब्रिज निर्मित कराया जाए। ये एक ऐसा विषय है जो लगातार मैं पत्राचार के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराती आई हूं, और मैं आग्रह करती हूं कि अभी तो 50% हमारे राज्य की सरकार दे रही है, परंतु मैं चाहती हूं कि केंद्र सरकार के माध्यम से इसको 100% देकर इसे शीघ्र इस कार्य को पूरा कराया जाए। ग्राम पंचायत धुआंडोल विधानसभा धोनी में क्रॉसिंग गेट की आवश्यकता है, सभापति महोदय, मैं आग्रह करती हूं। ग्राम जुमगड़ी में अंडर ब्रिज का निर्माण कराया जाए, क्योंकि ये अति आवश्यक है, वहां के क्षेत्रीय जनों से बार बार इस विषय के लिए आग्रह किया गया है। ग्राम पंचायत सरई, जिला सिंगरौली में मुख्य मार्ग में रेलवे क्रॉसिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है, माननीय रेल मंत्री जी को मैं आकर्षित कराना चाहती हूँ, यहाँ पर ओवरब्रिज की आवश्यकता है। महुआ गांव में सरई पहुंच मार्ग में ग्राम समूद बफरसेड़ी जिला सिंगरौली में ओवरब्रिज की आवश्यकता है, माननीय रेल मंत्री जी इस पर ध्यान आकर्षित करें। पथरौला से बस्तुआ पहुंच मार्ग जिला सीधी में रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज को निर्मित कराना अति आवश्यक है। टिकरी से कुसमी पहुंच मार्ग में ग्राम भदौरा जिला सीधी में ओवरब्रिज का निर्माण कराना बहुत जरूरी है, सभापति महोदय। सिंगरौली जिला ग्राम भलगुड़ और जोगगढ़ में रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज का निर्माण कराना अति आवश्यक है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैंने रेल मंत्री जी से आग्रह किया है, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि रेल मंत्री जी मेरे क्षेत्र के इन मांगों पर विशेष ध्यान देंगे, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को पर जीवन पर्यंत आभार व्यक्त करूंगी यदि इन मेरे मांगों पर, क्षेत्र की मांगों पर विशेष ध्यान देकर कृपा बनाई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।